जी स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन द पार्ट टू ऑफ लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिज़ाइन. दिस इज़ 14th लेक्चर ऑफ दिस कोर्स एंड द कोर्स इज़ रिसर्च मैथड्स इन स्पेशल एजुकेशन. द कोर्स कोड फॉर दिस कोर्स इज़ SPD 3116 एंड दिस कोर्स इज डिज़ाइन फॉर द प्रोग्राम MA स्पेशल एजुकेशन सेमेस्टर 2. हमने जो पिछले लेक्चर से एक टॉपिक का आगाज़ किया हुआ है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिज़ाइन, हम आज उसका पार्ट टू जो है उस पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं. और पार्ट वन में हमने एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन को तफसील से पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ा और जो इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेट्स हैं उसके बारे में हमने पढ़ा. तो आज हम जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिज़ाइन में डिस्कस करने जाएंगे डिटेल, वो हैं जो थ्रेट्स हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी के, उसके ऊपर हम बात करेंगे. सो आई एम योर रिसोर्स पर्सन डॉक्टर अफाफ मंजूर फॉर दिस कोर्स एंड आई एम वर्किंग इन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर. एंड यू कैन एक्सेस मी ऑन afaf.manzoor@ue.edu.pk. सो लेट्स स्टार्ट विद द एजेंडा ऑफ टूडेज डिस्कशन. वी आर गोइंग टू वंस अगेन रिवाइज दैट वॉट इज एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. Then we will see the validity of experimental research design and threats to external validity. Similarly, हम जो कुछ ethical considerations होती हैं हमारी जो research design है उसके लिए, उसको भी हम discuss करेंगे. So after watching or listening this, students will be able to explain the concept of experimental research. They can enlist and explain various threats to external validity. And they will be able to understand ethical considerations while conducting experimental research design. Here are few readings, books, good books, जो के आप in addition to listening or watching this video, you can directly go to on these readings और इसमें आप detail में जाके इस topic के ऊपर जो है वो पढ़ सकते हैं. So let's start about experimental research. एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है हमें इस क्वेश्चन का जवाब देती है, व्हाट इफ़. एंड द रिसर्चर मैनिपुलेट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसमें के टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो सकती है, टीचिंग मेथड हो सकता है, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी हो सकती है. एंड मेयर्स डिपेंडेंट वेरिएबल, और वो कोई भी वेरिएबल जैसे कि एंग्जाइटी लेवल हो सकता है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन और सेटिस्फेक्शन हो सकती है. सो इनके दरमियान में जो है रिलेशनशिप को जानना चाहती है, जो कॉज एंड इफेक्ट इस्टेब्लिश होता है उसको जानना चाहती है. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल में बात की थी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर, कि ये वही रिसर्च डिज़ाइन है जो कि हमें ट्रूली जो है हाइपोथेसिस को फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करता है और जो कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप है उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट करता है. सो द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कंट्रोल्ड और सेट बाय द रिसर्चर एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड बाय द रिसर्चर. इसमें जो रिसर्चर का मकसद होता है वो ये होता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो कंट्रोल करता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसको उसने मेजर करना होता है. सो एन एक्सपेरिमेंट इज प्रिस्क्राइब्ड सेट ऑफ कंडीशंस व्हिच परमिट मेजरमेंट ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट. तो एक्सपेरिमेंट रिसर्च के मुख्तसरन तारुफ के बाद, क्योंकि हम इसको प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत तफसील से पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू और रिवीजन के तौर पे मैंने ये डिस्कस किया है ताकि हमारी जो कंटिन्यूटी है लेक्चर की वो जो है बन सके. सो लेट्स डिस्कस द थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी. जब हमने इंटरनल वैलिडिटी के फैक्टर्स को डिस्कस किया था, थ्रेट्स को डिस्कस किया था, इसी तरह से देर आर सेवरल मेजर थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी एज वेल, जो कि उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चनेबल कर सकते हैं जनरलाइजेशन के हवाले से और नॉन एक्सपेरिमेंटल पॉपुलेशन के हवाले से. सो अगर हम बात करें कि इसका आगाज़ जो है वो कैसे हुआ था, ये इसकी बेस किसने लिखी, तो ब्रैच एंड ग्लास जो है उसने इस जो एक्सटर्नल वैलिडिटी की जो डिस्कशन है, एक्सटर्नल वैलिडिटी की जो थ्रेट्स की डिस्कशन है उसको उसने मज़ीद वाजिया करने की कोशिश की और उसने इसको दो कैटेगरीज में जो डिफ़ाइन किया, एक उसने इसको टू होम के हवाले से डिस्कस किया और दूसरा उसने टू व्हाट के हवाले से डिस्कस किया. सो थ्रेट्स अफेक्टिंग टू होम और टू व्हाट पर्सन रिजल्ट्स कैन बी जनरलाइज्ड आर रेफर्ड एज प्रॉब्लम्स ऑफ पॉपुलेशन वैलिडिटी. ये जो प्रॉब्लम क्वेश्चन है जो कि टू होम को इफेक्ट करता है,
दिस इज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन वैलिडिटी. और जो दूसरा थ्रेट है लाइक टू वॉट, कि एनवायरमेंट को जो है वो कस कहता है, दैट इज़ लाइक सेटिंग डिपेंडेंट वेरिएबल्स. तो सो द डिस्कशन टू फॉलो इनकॉर्पोरेट्स द कंट्रीब्यूशंस ऑफ ब्रैच एंड ग्लास इनटू कैंपेल एंड स्टैनलीज़ ओरिजिनल कॉन्सेप्चुलाइजेशन. तो हम इसके अंदर रहते हुए बात करने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह कितने टाइप्स की जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स जो हैं वो हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज़ रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग. सेकंड इज़ ट्रीटमेंट एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन. थर्ड वन इज़ टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन. एंड द फोर्थ वन इज़ मल्टीपल ट्रीटमेंट इफेक्ट. तो आइए अब हम बारी बारी इन थ्रेड्स जो कि एक्सटर्नल वैलिडिटी को हो सकते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं. द फर्स्ट थ्रेड दैट कुड बी एफेक्टेबल फॉर एक्सटर्नल वैलिडिटी दैट इज रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग और द अरेंजमेंट्स. इसको रिएक्टिव अरेंजमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है. सो रिएक्टिव arrangement refers to a number of factors associated with the way in which a study is conducted and the feelings and attitudes of subjects involved. To jo reactive effects of testing hai, subjects in your samples may respond differently to experimental treatments merely because they are being tested. Since the population at large is not tested, experimental effects may be due to the testing procedures rather than the treatment itself. अब बहुत सारी चीज़ें जो ट्रीटमेंट के इफ़ेक्ट की वजह से नहीं हो सकती हैं और जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके होते हैं, तो चूंकि आपने जो पॉपुलेशन इतनी सारी जो आपने ली हुई होती है उसके ऊपर टेस्ट नहीं हुआ होता, और जब हम उसके ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं तो मे बी कि वो जो टेस्टिंग के रिजल्ट्स हैं वो इफ़ेक्टिव हों, ना कि जो आपने ट्रीटमेंट दी है वो इफ़ेक्टिव. सो दिस रिड्यूसेस जनरलाइजेबिलिटी. अब अगर ये थ्रेट आ जाता है आपकी वैलिडिटी को, तो फिर जो हम जनरलाइज कर सकते करने के हमारी सूरत हाल हुई रिजल्ट्स को वो पॉसिबल नहीं होती या वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है. सो वन टाइप ऑफ रिएक्टिव इफेक्ट इज़ प्री टेस्ट सेंसिटाइजेशन. इसी तरह से उसकी एक जो शक्ल है वो प्री टेस्ट सेंसिटाइजेशन है. एंड अदर टाइप ऑफ रिएक्टिव इफेक्ट इज़ पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन. यानी जो पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन है वो भी हो सकती है आपको, यानी जो टेस्ट दिया जा रहा है टेस्ट यानी के बाद जो है सेंसिटिविटी का लेवल बढ़ जाता है. सो द पोस्ट टेस्ट कैन बी इन इटसेल्फ अ लर्निंग एक्सपीरियंस दैट हेल्प्स सब्जेक्ट्स टू पुट ऑल द पीसेस टुगेदर. यानी उनके सामने एक बन जाती है सिचुएशन, वो जान जाते हैं कि क्या सीन हो रहा है और उसके मुताबिक वो एडजस्टमेंट्स कर लेते हैं, लर्निंग कर लेते हैं, और डिफरेंट टुकड़ों में उसको इन्फॉर्मेशन मिली होती है वो कोप अप करके बेटर जो है परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपका ट्रीटमेंट का इफेक्ट है वो कम हो सकता है. So different results would be obtained if the treatment were given without a post test. So while researchers must make measurements, care must be taken to measure treatment effect, not add to it with a post test. इसमें जो एक और different effects हम discuss करते हैं रिएक्टिव अरेंजमेंट्स में, उसमें एक टेस्ट जो है दैट इज़ नोन एज जॉन हेनरी इफेक्ट. अब ये जो जॉन हेनरी था ये एक फोक हीरो था. यू मे रिकॉल वाज अ स्टील ड्रिवन मैन हु वर्कड फॉर अ रेल रोड. व्हेन ही हर्ड दैट अ स्टीम ड्रिल वाज गोइंग टू रिप्लेस हिम एंड हिज फेलो स्टील ड्राइवर्स, ही चैलेंज्ड एंड सेट आउट टू बीट द मशीन. सो थ्रू ट्रिमेंडस एफर्ट ही डिड मैनेज टू विन द इंश्योरिंग कॉन्टेस्ट, ड्रॉपिंग डेड एट द फिनिश लाइन. This phenomena has been shown to operate in research studies. If for any reasons control groups or their teachers feel threatened or challenged by being in competition with a new program or approach, they may outdo themselves and perform way beyond they would normally be expected. इसी तरह से एक और जो इफेक्ट है वो नोवेलिटी का इफेक्ट है. नोवेलिटी मीन्स एक नई चीज़ का. सो द नोवेलिटी इफेक्ट रेफर्स टू इंक्रीज इंटरेस्ट, मोटिवेशन और पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट्स. यानी अगर कोई नई चीज़ आ रही हो तो लोगों का इंटरेस्ट लेवल और मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है और वो उसके अंदर ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं. सो इन अदर वर्ड्स अ ट्रीटमेंट मे बी इफेक्टिव बिकॉज इट इज़ डिफरेंट, नॉट बेटर पर सो.
हो सकता है वो बेहतर ना हो लेकिन क्योंकि डिफरेंट है तो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसी तरह से रिएक्टिव इफेक्ट ऑफ टेस्टिंग में जो है एक और चीज़ जो है दैट इज़ प्लेसिबो इफेक्ट विच इज़ सॉर्ट ऑफ एंटीडोट फॉर द हॉथ्रोन जॉन हेनरी इफेक्ट्स। इन मेडिकल रिसर्च इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एनी मेडिकेशन कुड मेक सब्जेक्ट्स फील बेटर इवन शुगर एंड वाटर। सो टू काउंटरैक्ट दिस इफेक्ट द प्लेसिबो अप्रोच वॉज developed in which half of the subjects receive the true medication and half receive a placebo. So this fact is of course not known to the subjects. The next threat that could be affect the external validity, that is treatment and subject interaction. So subject in a sample may react the experimental treatment in ways that are hard to predict. यानी आप किस तरह से subject की जो selection कर रहे हैं। So this limits the ability of researcher to generalize findings outside the experiment itself. So selection treatment section is similar to the differential selection of subjects. Problem associated with internal validity and also occurs when subjects are not randomly selected for treatments. Interaction effects aside, the very fact that subjects are not randomly selected from a population severely limits the researcher's ability to generalize since representatives of the sample is a question. So if intact groups are randomly selected, the possibility exists that the experimental group is in some important way different from the control group and from the larger population. So this non-representativeness of groups may also result in a selection treatment interactions such that the results of a study hold only for the groups involved are not representatives of the treatment effect in the independent population. So if there is a systematic bias in a sample, then treatment effects may be different when applied to a different sample. So pretest treatment interactions occur when subjects respond or react differently because they have been pretested. तो जो हम pretest treatment दे रहे होते हैं उसके results मुख्तलिफ आ सकते हैं क्योंकि subjects already जो है वो pretest दे चुके होते हैं और उनके थोड़ी सी उस बारे में information आ चुकी होती है तो उनका जो interaction है वो different हो सकता है. So post-test sensitization refers to the possibility that treatment effects may occur only if subjects are post-tested. तो सो जो पोस्ट टेस्ट सेंसिटाइजेशन है दैट रेफर्स टू पॉसिबिलिटी जो कि पोस्ट टेस्ट की सेंसिटाइजेशन कहलाती है. नेक्स्ट इज टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन. टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन सब्जेक्ट्स इन अ सैंपल में रिएक्ट टू द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग इन वे दैट आर हार्ड टू प्रोडिक्ट. यानी इसके अंदर आप बहुत मुश्किल है कि आप प्रोडिक्ट कर सकें किसी भी सिचुएशन को. सो दिस लिमिट्स द एबिलिटी ऑफ द रिसर्चर टू जनरलाइज फाइंडिंग आउटसाइड द एक्सपेरिमेंट सेल्फ. और यही जो एबिलिटी है ये लिमिटाइज करती है रिसर्चर को कि वो जनरलाइज नहीं कर सकता अपनी फाइंडिंग्स को. सो देयर इज अ सिस्टमैटिक बायस ऑफ टेस्ट एंग्जाइटी और टेस्ट वाइसनेस इन अ सैंपल देन ट्रीटमेंट इफेक्ट्स विल बी डिफरेंट व्हेन अप्लाइड टू अ डिफरेंट सैंपल. तो इसका मतलब ये है कि अगर जो सैंपल है वो टेस्ट वाइसनेस अगर उसमें आ जाती है या वो अंडरस्टैंड कर जाता है टेस्ट की सिचुएशंस को टेस्ट के सिस्टम्स को उसके प्रोसीजर्स को और वो इफ़ेक्टिवली उनको यूज़ कर सकता है तो इसका मतलब यह है कि जो ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं उसका असर कम हो जाता है और जो टेस्ट वाइसनेस है उसकी जो है वो असरात जो है वो ज़्यादा आ जाते हैं और इसकी वजह से हमारे पास जो रिज़ल्ट हैं वो ट्रू रिज़ल्ट नहीं आते और डिफरेंट तरीके जो है वो रिज़ल्ट जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं. सो वॉट इज़ मल्टीपल ट्रीटमेंट इफेक्ट. यानी अगर आप एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स दे रहे हैं तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं. आमतौर पे तो जो हम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ करते हैं उसमें हम ट्रीटमेंट जो सिंगल ट्रीटमेंट देते हैं लेकिन इन फ्यू सिचुएशंस हमें एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स जो है वो देनी पड़ती हैं. तो ऐसी सूरत हाल में क्या होता है. सो इट रेफर्स टू द कैरी ओवर इफेक्ट्स फ्रॉम एन अर्लियर ट्रीटमेंट विच मेक इट डिफ़िकल्ट टू एक्सेस द इफेक्टिवनेस ऑफ अ लेटर ट्रीटमेंट. अब यानी बाद में दी गई ट्रीटमेंट और पहले दी गई ट्रीटमेंट जो है वो मिक्स हो सकती है और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो मिक्स हो सकते हैं. सो सपोज यू वर इंटरेस्टेड इन कंपेयरिंग टू डिफरेंट अप्रोचेज टू इम्प्रूविंग क्लासरूम बिहेवियर. अब आपने क्लासरूम बिहेवियर को प्रूव करने के लिए दो मुख्तलिफ अप्रोचेज यूज़ करी
जैसे कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड कॉरपोरल पनिशमेंट, यानी आप एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन की अप्रोच यूज़ करें, दूसरा कॉरपोरल पनिशमेंट की यूज़ करें. सो लेट अस से दैट फॉर 2 months बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स वर सिस्टमैटिकली अप्लाई टू द सब्जेक्ट्स एंड एट द एंड ऑफ दिस पीरियड बिहेवियर वॉज फाउंड टू बी सिग्निफिकेंटली बेटर देन बिफोर द स्टडी बिगिन. So now suppose that for the next 2 months, the same subjects were physically punished whenever they misbehaved, like hand slapping, spankings, and like that. मतलब उनको 2 महीने के बाद जो उनकी ट्रीटमेंट पैटर्न था वो चेंज कर दिया गया. पहले 2 महीने जो है उसको जो है बिहेवियर मैनेजमेंट जो है या बिहेवियर मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स उसके अप्लाई की गई, और अगले 2 महीने जो है उसके ऊपर जो है वो और पॉलिशमेंट दी गई, जैसे कि हैंड स्लैपिंग हो सकती है, स्पैंकिंग हो सकती है. तो इन दोनों के साथ को देखा गया. सो कुड यू देन कंक्लूड दैट बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड कोर पॉलिशमेंट इक्वली इफेक्टिव मैथड्स फॉर बिहेवियर कंट्रोल? सर्टनली नॉट. यकीनन आप इसका जवाब नहीं दे सकते. सो इनफैक्ट द गोल ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज प्रोड्यूस बिहेवियर विच इज सेल्फ मेंटेनिंग, ठीक है जी, दैट इज कंटिन्यूज आफ्टर डायरेक्ट इंटरवेंशन इज स्टॉप्ड. यानी उसका मकसद जो होता है वो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ मेंटेनिंग होता है, और उसके असरात जो हैं वो आप इंटरवेंशन देने के बावजूद भी बाद भी जारी रह सकते हैं. दस द गुड बिहेवियर एग्जिबिटेड बाय सब्जेक्ट्स एट द एंड ऑफ द स्टडी कुड वेल बी द बिकॉज ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ प्रीवियस बिहेवियर मॉडिफिकेशन एंड एग्जिस्ट इन स्पाइट ऑफ द कॉरपोरल पनिशमेंट. सो इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू सेलेक्ट अ डिजाइन इन विच ईच ग्रुप रिसीव्स बट वन ट्रीटमेंट, द रिसर्चर शुड ट्राई टू मिनिमाइज पोटेंशियल मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेस बाय अलाउंग सफिशेंट टाइम टू एलैप्स बिटवीन ट्रीटमेंट्स एंड बाय इन्वेस्टिगेटिंग डिस्टिंक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. यानी रिसर्चर को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो इन बिटवीन टाइम है उसको थोड़ा सा ज़्यादा कर दे, या ट्रीटमेंट को इस तरह से प्लेस करे कि एक ट्रीटमेंट का जो असर है वो दूसरी ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो ना हो सके. सो मल्टीपल ट्रीटमेंट इंटरफेस में ऑल्सो अकर वेन सब्जेक्ट्स हु हैव ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन अ स्टडी आर सेलेक्टेड फॉर इंक्लूजन इन अनदर स्टडी. सो थ्रेटिकली अनरिलेटेड स्टडी, सो इट मे हैव बीन द कम्बिनेशन ऑफ द ट्रीटमेंट्स दैट लेड टू द रिजल्ट्स. सो ट्रीटमेंट्स ए बी सी अगर हम दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट सी जो है गिव अलोन मे प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट्स. तो आपने हम देखा कि हमने जो ये डिस्कस किए हैं यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स, उसमें हमने रिएक्टिव इफेक्ट्स ऑफ टेस्टिंग को डिस्कस किया, ट्रीटमेंट एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन को डिस्कस किया, टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन को डिस्कस किया, और मल्टीपल ट्रीटमेंट इफेक्ट को हमने डिस्कस किया. तो आइए इसको तफसील में हमने जो डिस्कशन की है उसके ऊपर हम देख लेते हैं कि हमने जो डिफरेंट इनमें देखा थ्रेड्स में रिएक्टिव इफेक्ट जो है कि आप रिएक्ट किस तरह से कर रहे हैं, टेस्टिंग इटसेल्फ जो है वो किस तरह से इफेक्ट करती है, ट्रीटमेंट सब्जेक्ट इंटरेक्शन है कि आप किस तरह से जो है वो सब्जेक्ट सिलेक्शन कर रहे हैं, आपने कोई ऐसी बाइसनेस तो नहीं उसमें रखी सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हुए, इस तरह से टेस्टिंग एंड सब्जेक्ट इंटरेक्शन जो है यानी टेस्ट और सब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन है वो किस तरह से है, जो टेस्टिंग है क्या वो तो नहीं इफेक्ट कर रही है, यानी टेस्टिंग पैटर्न्स अगर सब्जेक्ट जो है वो जान लेता है और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करता है तो वो किस तरह से इफ़ेक्ट करता है, इसी तरह से मल्टीपल ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी डिफरेंट तरीके से जो हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं एक वक्त में एक से ज़्यादा ट्रीटमेंट्स या मुख्तलिफ अवकात में आप जो ट्रीटमेंट्स देते हैं उनके असरात दूसरी ट्रीटमेंट के ऊपर, यानी आपने एक ट्रीटमेंट दी और उसके बाद आपने दोबारा एक ट्रीटमेंट अप्लाई की एक हफ़्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद, या सिमिलरली राइट विदड्रॉइंग वन ट्रीटमेंट यू स्टार्ट द सेकेंड ट्रीटमेंट, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर. यानी आप ये नहीं कह सकते कि जो ट्रीटमेंट ए है उसी का ही इफ़ेक्ट है, तो माइट बी ट्रीटमेंट ए और ट्रीटमेंट बी का जो इंटरफेस है वो ज़्यादा विजिबल हो, और इस तरीके से हम उसकी जनरलाइजेबिलिटी या उसकी जो एक्सटर्नल वैलिडिटी है उसको हम थ्रेटिंग कह सकते हैं. सो आइए इसके थ्रेट्स एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम इसकी कुछ एथिकल कंसिडरेशंस जो हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. जिस तरह से बाकी तमाम रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर हमें एथिकल कंसिडरेशंस रखनी पड़ती हैं, जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है इसमें भी डेफिनेटली हमें एथिकल कंसिडरेशंस को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्ट जो है वो रابطہ होता है
अपने सब्जेक्ट्स के साथ, यानी मोस्ट एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है सब्जेक्ट्स की, और रिलेशनशिप होता है, इंटरेक्शन होता है सब्जेक्ट का और एक्सपेरिमेंटर का. तो इसमें जो बाकी रिसर्च की स्टडीज़ हैं उनसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होती है एथिकल कंसिडरेशंस की. सो देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ एथिकल इशूज़ इन टू बी कंसिडर इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च. मेनली हम इनको दो जो फेजेस में या दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस इटसेल्फ एंड इज ऑफन रेफर टू एज एक्सपेरिमेंटल बाइस. जो पहला है वो इटसेल्फ एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस से जो है वो रिलेटेड है, और इसको आम तौर पर एक्सपेरिमेंटल बाइस जो है वो कहा जाता है. सो एन एक्सपेरिमेंटर हु इज फेमिलियर विद द हाइपोथेसिस इज मोर लाइकली टू कंडक्ट रिसर्च इन ए वे दैट विल रिजल्ट इन देयर कंफर्मेशन. तो आम तौर पर जो, चूँकि एक्सपेरिमेंटर जो है वो जानता है आपको यहाँ पे तो उसके बारे में, और वो ही जो है वो उसके ऊपर अंदाज़ हो सकता है. कैसे हो सकता है? इट इज़ रिलेटिवली ईजी टू अवॉइड बाई अप्लाइंग अ डबल ब्लाइंड डिज़ाइन. अब इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आप एक डबल ब्लाइंड डिज़ाइन जो है वो उस पर अप्लाई कर लें. सो बोथ द एक्सपेरिमेंट एंड द पार्टिसिपेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द हाइपोथेसिस एंड टू विच ग्रुप द सब्जेक्ट्स हैव बीन असाइंड. और इस तरह से जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने वाला है और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोनों ही हाइपोथेसिस के बारे में ना जानते हों, और इसी तरह से जो सब्जेक्ट्स भी असाइन किए गए हैं उनको, उनके बारे में भी इल्म ना हो. सो फर्दर चांस फॉर द बाइस टू जेपर्डाइज द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द स्टडी इज इंटरप्रटेशन ऑफ द रिजल्ट. अब जो दूसरी जो थ्रेट है जेपर्डाइज करने का ऑब्जेक्टिविटी को, यानी ऑब्जेक्टिविटी को किस तरह से जेपर्डाइज किया जा सकता है, वो ये है कि आप अपने जो टेस्ट फाइंडिंग्स हैं या रिजल्ट्स हैं आप उसकी इंटरप्रटेशन किस तरह से करें. सो इंटरप्रटेशन करते हुए क्या ऑथर जो है वो अपनी कोई राय तो उसमें शामिल नहीं कर रहा. सो वेन द ऑथर मे बी टेम्प्टेड टू रिपोर्ट ओनली डाटा दैट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस एंड इग्नोर कॉन्फ्लिक्टिंग वंस. तो वो मे बी के सिर्फ हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना चाहता है, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उसके सामने आती है तो वो उसको अवॉइड कर रहा है. सो दिस इज़ ऑल्सो रेफर टू ए पोस्ट हॉक बाइस. इसको आमतौर पर पोस्ट हॉक बाइस भी कहा जाता है. दैट इज़ थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी. सो देर आर नो मैथडोलॉजिकल सेफ गार्ड्स अगेंस्ट इट. यानी इसके लिए कोई ख़ास मैथडोलॉजिकल सेफ गार्ड्स नहीं है कि आप उसको यूज़ कर सकें. करना क्या है इसमें, जो रिसर्चर है उसी को अपनी इंटेग्रिटी एंड रिग्रेस रिव्यूज़ जो हैं वो शो करने पड़ते हैं, और उसमें वो जो अपने को रिसर्चर्स ले रहा है उसकी कॉम्पिटेंसी जो है उसको भी इंश्योर करना पड़ता है. यानी रिसर्चर को खुद से ही इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है. उसके पास कोई स्पेशल गैजेट्स या कोई ऐसा सिस्टम या मेथड मौजूद नहीं है कि वो जो सिचुएशन है एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस की या एक्सपेरिमेंटल बाइसेस की उसको किसी और तरीके से कंट्रोल कर सके. बिकॉज दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो द अदर थिंग जो कि एथिकल कंसिडरेशंस में अफेक्ट कर रही होती है जी, द सेकेंड एस्पेक्ट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स एंड इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स एंड डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम. जो दूसरे एस्पेक्ट है वो पहले से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और इसमें जो एथिकल कंसल्टेशंस हमें करने वाली हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं और डेटा से रिलेटेड है. सो द फंडामेंटल डायलेमा हियर इज़ द कॉस्ट बेनिफिट रेशियो. दैट इज़ द एक्सपेक्टेड बेनिफिट. यानी जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है वो बड़ा इसमें मैटर करती है. इज़ ग्रेटर देन द पॉसिबल हार्म इन्फ्लिक्टेड ऑन द सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग रिसर्च. हेयर द टर्म हार्म इज़ यूज्ड इन द ब्रॉडेस्ट सेंस टू कवर अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपेरिमेंटल सिचुएशंस इन विच सब्जेक्ट्स मे फाइंड देमसेल्व्स फ्रॉम माइल्डली एम्बेरसिंग एंड अनॉइंग टू दोज वेयर इंडिविजुअल्स आर ड्यू टू रैंडम सिलेक्शन और ग्रुप असाइनमेंट गिव लेस इफेक्टिव ट्रीटमेंट और डिनाइड वन ऑल टूगेदर.
अच्छा जी, अब ये जो चीज़ है कि इसमें जो बेसिक पर्पस है हमारा वो ये है कि हम जो भी रिसर्च कंडक्ट करने चाह रहे हैं उसका किसी ना किसी तरह से फ़ायदा होना चाहिए। अगर वो किसी भी तरह से सब्जेक्ट्स को हार्म करती है या उनके लिए यूज़फुल नहीं है, उनकी उनके लिए एम्बैरसिंग हो सकती है, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो वो जो है एथिकल कंस्ट्रिक्शंस के अंदर जो है एक सीरियस इशू है। कि आपका मकसद तो रिसर्च कंडक्ट करने का ये है कि आप ह्यूमन काइंड जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको फ़ायदा पहुंचाएं, लेकिन आपकी इस रिसर्च या एक्सपेरिमेंट की वजह से अगर किसी के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई डिसग्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट होती है, तो इट मीन्स के यू आर गोइंग टू डू अ रॉन्ग थिंग। तो इसके लिए आप कॉन्शियस रहना बहुत ज़रूरी है दैट इट शुडन्ट बी हार्मफुल फॉर एनी अदर वन। सो रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ पॉसिबल हार्म, द सब्जेक्ट्स नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट रिसर्च एंड देयर रोल इन इट एंड गिव रिटन कंसेंट। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप किसी भी किस्म का फिज़िकल कोई हार्म पहुँचाएँ या मेंटल जो है वो डिस्टर्बेंस या शॉकिंग हो किसी भी तरह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए, तो उसके लिए बेहतर हल ये है कि आप एक तो उन्हें इन्फॉर्म करें, अपनी रिसर्च के बारे में बताएं, और इस साथ साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनका रोल पता हो कि वो उन्होंने करना क्या है या वो इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत ही बेहतर चीज़ होती है कि आप उनसे एक रिटन कंसेंट ले लें कि हम ये स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम आपको इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि आप या तो हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का हिस्सा होंगे या हमारे कंट्रोल ग्रुप का हिस्सा होंगे। सो सच इन्फॉर्म्ड कंसेंट टिपिकली कंटेन्स अ जर्नल स्टेटमेंट अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टडी। अब ये जो आमतौर पे कंसेंट्स होते हैं इसमें क्या होता है कि पर्पस ऑफ द स्टडी मेंशन किया जाता है कि आप किस मकसद के लिए स्टडी करने जा रहे हैं, ये स्टडी जो है क्या फ़ायदा पहुँचाने वाली है, इससे किस किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल होने वाले हैं, और इस स्टडी को कंडक्ट करने का जो मकसद या ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। सो डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल रिस्क एंड देयर मैनेजमेंट, उसमें ये भी लिखें कि आपको ये कंडक्ट करते हुए क्या क्या मैक्सिमम रिस्क जो है वो आ सकता है, और ये भी मेंशन कर दीजिए कि अगर कोई रिस्क इसमें शामिल है तो आप उसकी मैनेजमेंट कैसे करने जा रहे हैं, यानी एक्सपेरिमेंटल जो है उसकी मैनेजमेंट किस तरह करेगा ताकि जो पार्टिसिपेंट है वो कंफर्टेबल जोन में आ जाए और उसको पता हो कि अगर कोई अनटूवर्ड सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है तो जो रिसर्चर है ही और शी हैज़ द एबिलिटी टू मैनेज दैट सिचुएशन। सो there could be option to refuse to participate or withdraw at any time without penalization। और जो रिसर्च जो पार्टिसिपेंट है उसके पास ये पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए कि वो किसी भी स्टेज के ऊपर रिसर्च की विदड्रॉ कर सके, यानी उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसी कमिटमेंट आप ना उनसे कंडक्ट कर रहे हैं कि जी आप थ्रू आउट द स्टडी जो है आपने इसको लेके चलना है जो कि उसके बर्डन हो सकता है, और अगर वो किसी अनटूवर्ड सिचुएशन में कंटिन्यू कर रहा है तो डेफिनेटली आपके जो स्टडी के रिजल्ट्स हैं दैट कुड बी बाइस्ड। सो इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, इसी तरह से उस जो पार्टिसिपेंट है उसको उसके बारे में ये बताना कि जो भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है वो प्रोटेक्टेड है, कॉन्फिडेंशियल है, वो किसी से शेयर नहीं की जा रही है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंफर्टेबल जोन में आके और बेहतर तरीके से आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करते हुए जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचा सके। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्टैक्ट पर्सन, इस तरह से आपके पास जो कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी तमाम मालूमात जो है वो आपके पास होनी चाहिए ताकि वक्त पड़ने पर या ज़रूरत पड़ने पर आप उसको इस्तेमाल कर सकें, एंड द प्रोसीजर ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस। और इसके अलावा उन्हें ये भी बताया जाए कि क्या तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो अपने कंसर्न्स को शो कर सकते हैं, आप डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर आपके कोई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टडी से रिलेटेड हैं और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो देयर इज़ अ वे आउट। ऐसी बात नहीं है कि आप उसके बारे में
बगैर सोचे समझे जो है आपके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जा रहा है. सो एंड इन्फॉर्मेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग्स. और इसी तरह से ये राइट है किसी भी पार्टिसिपेंट का कि वो फाइंडिंग्स जो आती हैं किसी भी रिसर्च की उसको वो एक्सेस कर सके या उसको डिमांड कर सके कि उसके साथ जो है उसको शेयर किया जाए. सो माइनर्स पार्टिसिपेशन मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ पेरेंट और लीगल गार्डियन. और इसी तरह से अगर आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो माइनर हैं यानी एडल्ट्स नहीं हैं तो उसके लिए जो कंसेंट है या पार्टिसिपेशन का नोटिस है वो आप उसके वालिदैन से लेंगे या उसके गार्डियन से लेंगे. सो इफ़ डिसेप्शन वॉज यूज द सब्जेक्ट शुड बी डीब्रीफ्ड. और अगर आप किसी किस्म की डिसेप्शन यूज़ करते हैं कि किया तो आप जो सब्जेक्ट्स हैं उनको डीब्रीफ किया जा सकता है. Naturally, even research has its specificity that may be reflected in informed consent, but the above-mentioned elements should be minimum. So, naturally, जो researcher है उसके पास बहुत सारी options हैं कि वो बेहतर तरीके से informed consent ले और बताए कि क्या इसके findings या outcomes आने वाले हैं study के और ये किस तरह से human beings के लिए या human kind के लिए beneficial हो सकती है. So this is all about our today's topic जिसमें हमने तफसील से देखा है कि जो आपके external validity है उसको क्या क्या factors affect कर सकते हैं, उसके क्या threats हैं. और इसी तरह से हमने ethical considerations देखी कि जो स्टडी है वो एथिकली किस तरह से साउंड हो सकती है, ख़ास तौर पे चूँकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है तो उसमें हम कोई भी एक्सपेरिमेंट को अप्लाई करने से पहले जो इन्फॉर्म्ड कंसेंट है वो लेना रिसर्चर्स से पार्टिसिपेंट से ज़रूरी है. सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक यू मे कैन आस्क टू मी एंड पुट अ क्वेश्चन इन आवर ग्रुप क्लासरूम. आई एम अवेलेबल देयर टू आंसर यू. और हमने जो अभी तक जो पढ़ा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बारे में, हम दो लेक्चर जो है पढ़ चुके हैं जिसमें कि हमने एक लेक्चर में पार्ट वन में जो है हमने रिसर्च डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश की और इसके साथ साथ हमने फीचर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन क्या है उसको पढ़ा और इंटरनल वैलिडिटी के जो थ्रेट्स हैं उसको तफसील से जाना. जबकि आज का जो पार्ट टू था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन का, इसमें हमने एक्सटर्नल वैलिडिटी के जो थ्रेट्स हैं उनके बारे में पढ़ा और साथ ही जो एथिकल कंसिडरेशंस हैं उसको हमने जानने की कोशिश की. सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. आई डू होप दैट यू एंजॉयड टू दिस लेक्चर.